धक्का दूं? डर लग रहा हो तो मैं धक्का दूं? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तुमसे ना हो पाएगा। तुम क्या मरने की ट्रेनिंग देने के लिए बैठी हो? नहीं, मरने के लिए। तो क्या आप भी? हाँ। ये करने की, मेरा मतलब यहाँ से कूद के मरने की कोई बहुत बड़ी वजह होगी, लेकिन इतना सज धज के। बचपन का एक सपना था मेरा, दूल्हे की कॉस्ट्यूम पहनकर समुंदर में छलांग लगाने का। लड़की पसंद नहीं थी? थी। फिर क्यों भागे? मैं भागा? मैं नहीं भागा, वो भाग गई। अरे भागना ही था तो दो चार दिन पहले भाग जाती, या मुझे बता देती, मैं खुद मना कर देता। मतलब एन शादी के वक्त पर मेरे मुंह पे कालिक पोत कर भागना जरूरी था क्या? मैं ही चूतिया था। I'm sorry। फिल्मों ने शादी के मंडप से भागने का ट्रेंड चला दिया है। वैसे मैं भी भाग के आई हूं। तो क्या आप भी शादी के मंडप से? नहीं नहीं, वहां तक तो मैंने नौबत ही नहीं आने दी। तो इतना सजधज के दुल्हन के ड्रेस में यहां कैसे पहुंची? यहां कैसे पहुंची? लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत सब करती थी मैं उससे, वो भी करता था, लेकिन मुझसे नहीं, मेरे पैसों से। और मैं पागल, मम्मी के सारे गहने, पापा के ढेर सारे रुपए सब लेकर घर छोड़ के उसके पास चली आई। वो मुझे एक होटल में लेके गया और कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज ही शादी करेंगे। और मैं तैयार होने चली गई। जब वापस आई तो देखा सारे गहने, सारे पैसे सब लेकर वो मुझे छोड़कर चला गया। अब घर कैसे जाऊं? जब कुछ समझ नहीं आया तो सोचा यहीं दी एंड करूं। मतलब कि टेक्निकली आपकी सिचुएशन तो मेरे से ज्यादा खराब है। सीरियसली, सडनली जब मैंने आपके बारे में सुना ना, तो मेरे बारे में मुझे अच्छा फील होने लगा है। हाँ अच्छा,
आप भी शादी के मंडप से होके आए हो। अगर वो मेरे पैसे लेके भागा है तो आप खुद अपने पैसों पे आग लगा के आए हो और आपको अच्छा फील हो रहा है। हाँ, पर मैं कम से कम घर तो जा ही सकता हूँ ना। तो जाइए ना, रोका किसने है? मोहल्ले में, ऑफिस में, चौराहे पे सब लोगों के मुंह पे ऐसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे जैसे उनकी ही बीवी भागी हो। और जब आपके पीठ पीछे वो लोग हंसेंगे ना, तब यहीं दौड़ते हुए आएंगे आप। एक्चुअली पता है क्या है, आप सब मर्द ना एक जैसे होते हैं। यू ऑल मेन आर सेम। मैडम एक मिनट, हाँ बॉयफ्रेंड आपका भागा है समझी, तो वो और मैं एक से कैसे हुए? हाँ अरे मैं तो अच्छा खासा है मरने के लिए आया हुआ था, आपने ही मुझे रोक लिया। ओ हेलो, मैंने आपको नहीं बचाया है। और वैसे भी ये जगह मैंने ढूंढी है, ठीक है ना? और वैसे भी आपको नीचे गिरता हुआ देखकर मुझ में हिम्मत नहीं होती कूदने की। आपको मरना ही है ना, तो कहीं और जाके क्यों नहीं मरते आप? अरे वाह, ये क्या बात हुई, मरने में भी लड़का ही कंप्रोमाइज करे। आप लड़की है ना, पूरे जीवन अपनी ही चलाती हो। कम से कम मरते समय तो आदमी की अपनी चॉइस होनी चाहिए ना। ओ मिस्टर, मैंने आपको हालात का मारा समझा था, बेचारा समझा था, इसलिए आपसे बात की। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे डिबेट करने की। और आपको मरना है तो कहीं और जाके मरिए, ये जगह मैंने फाइनल की है। तो मैंने भी यही जगह फाइनल की है और अब मैं यहीं से मरूंगा, समझी आप? ठीक है, यही मरना है ना आपको? हाँ। उठो। क्यों? चलो। कहाँ? चलो कूदो कूदो, आपकी जगह है महाराज, जनता आपको देख रही है, कूदिए। क्या सोच रहे हैं, कूदिए आप। कूदिए, क्या हुआ? मेरे हिसाब से आप ही कूद जाइए, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही ऊपर है। मम्मी, एक्चुअली मैं ऐसे ट्राई कर चुकी हूँ और मेरे लिए भी ज़्यादा ऊंचा है, मुझे डर लग रहा है। एक काम करते हैं। क्या? दोनों एक साथ कूदते हैं। ठीक है। मरना है क्या? मेरा मतलब है अकेले मरना है क्या? वैसे अभी भी मुझे लगा कि सुसाइड के अगेंस्ट हमारी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच गए। हमारे ऐसा करने से उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय मम्मी पापा के। तो फिर चलो। कहाँ? पास में एक चाय की गुमटी है, वहां अच्छी चाय मिलती है, वहां बैठ के डिसाइड करेंगे कि कैसे मरें। ठीक है, चलो।
वैसे जहर खा के मरने के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे नहीं, एटलीस्ट मुंह तो टेस्टी रहे। टेस्टी? ट्रक के सामने कूद कर? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छी, बहुत खराब आइडिया। ट्रेन की पटरी पर लेट जाते? नहीं, उसमें बहुत तकलीफ होगी। कुछ कुछ ऐसा सोचो ना जिसमें ज्यादा दर्द भी ना हो और अपना काम भी हो जाए। फिर एक काम करते हैं, थोड़ा जी लेते हैं, बाद में सोचेंगे। एक्चुअली मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। वैसे नाम क्या बताया आपने? मैंने तो बताया ही नहीं। Myself, Sourabh. Raveena.